अधिक सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर ही काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए ही संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सच्चाई के राह पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ बहुत कम होती है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है, जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। इंसान के दुख के दो प्रमुख कारण हैं, पहला दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा करना और दूसरा खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने, और झूठ को हमेशा डर होता है कि कोई उसे पहचान न ले। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। मैं हमेशा मासूम होने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह जिंदगी और समय प्रतिदिन समझदार बनाए जा रहे हैं। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु उसे हम किस भाव से करते हैं इसका महत्व बहुत है। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। आप देखते हैं कि ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। मनुष्य को सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है, पहला दूसरों की गलतियों को भूलना और दूसरा अपने अंदर अच्छाई लाना। जीवन में इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं, जितना कि आपका मानसिक रूप से मजबूत होना। मेहनत बस सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीजों को करने के लिए समय नहीं बचा जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ अहम फैसले करना है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। बेशक वह लेफ्ट में होता है, लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वह कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। यही दुनिया है जो तुम्हें कोई महत्व नहीं देती। जब तुम किसी के ऊपर उपकार करते हो, पर जब तुम उस काम को बंद कर देते हो तो तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देती है। चिराग कैसे अपनी मजबूरियां बयां करें, हवा भी जरूरी है और डर भी उसी से है। आप आज टाल मटोल करते हुए कल की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। चीजें उन तक भी आ सकती हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं, पर उतनी ही जितना की कोशिश करने वाले लोग खुशी से छोड़ देते हैं। जब इंसान को कोई चीज बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो वह उसकी असली कदर नहीं कर पाता। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं तोड़ सकता। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में सफल होने का साहस ना हो। जीवन को केवल पीछे की तरफ देखकर समझा जा सकता है, इसलिए जीने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। कभी भी दूसरों को ना आके, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है कि आप अपनी असफलता से सीख लें। अच्छा काम करते रहो,
कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छे न्यायाधीश। लोग जिंदगी भर भौतिक दुनिया में हर चीज के पीछे भागते रहते हैं और वह यह पता लगाना भूल जाते हैं कि सबसे महान खजाना तो उनके ही भीतर है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। याद रखो, तुम गिरोगे, तुम्हें उठाने वाले हाथ से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे होंगे। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाएं। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ। विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खोला। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो ये याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो नासमझ है वो तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता